हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरिबा। आप सबका स्वागत है इन इस ब्लॉग में। हो चुका है नेक्स्ट से। सो आज मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो हम लोग आज जा रहे हैं कहीं, तो सो मैं आप लोग को बताऊँगी। उससे पहले आप लोग ये सनराइज़ का व्यू, हमारी सोसाइटी में से इतना प्यारा सा व्यू दिख रहा है मुझे, तो कितना मस्त लग रहा है। देखो वो साइड का स्काई, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं। और हम लोग ने ईद मिलादुन्नबी का झंडा भी लगाए हैं, ये देखो तीन तीन झंडा लगाए हैं। यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है। सो आप लोग कौन कौन ईद मिलादुन्नबी में सारी चीज़ें डेकोरेशन करते हो और लाइट लगाते हो, झंडे लगाते हो, बताना ज़रूर। सो चलो अभी फटाफट से रेडी होते हैं। मैं आप लोग को पहले मेरा ड्रेस बता देती हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो ऑथेंटिक टाइप का है, जैसे कि वो इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है। सो चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मेरे पास है ये कुर्ती और पिंक एंड वाइट कलर में, इसको ओपन करते हैं हम लोग। तो ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, इसलिए न्यू है। तो रैप से तो ये रही प्यारी सी कुर्ती, मेरे पर कैसी लग रही है आपको बताओ ज़रूर। और इसके साथ आप लोग सोच रहे होंगे लेगिंग्स होगी, कुछ ना कुछ होगा, बट हम बहुत फैशनिस्ट है। मेरे पास इसके साथ है डेनिम की जीन्स, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बहुत। ये जीन्स मेरी फेवरेट है यार, तो मैं इसके साथ इसको ऐसे पहनने वाली हूँ। और इसके ऊपर लेने वाली हूँ ये वाला दुपट्टा, क्योंकि आज स्कार्फ नहीं बांधूंगी, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जाए वहाँ पर जाके स्कार्फ खोलना ही पड़ेगा। सो चलो अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं। जब मैंने इस ड्रेस के साथ ये दुपट्टा लगाया तो इतना गंदा दिख रहा है ये। तो मेरे पास एक और एक ड्रेस का दुपट्टा है, ड्रेस का नहीं मतलब मैंने ये सिंपली लिया था, तो इसके साथ ही लिया था मैंने, दोनों एक साथ ही लिया था। सो अभी मैं ये वाला डाल के देख लेती हूँ, तो ये भी थोड़ा बहुत ठीक है। सो नीचे जाके मैं देखती हूँ कि मम्मी के पास कोई ऐसे कलर का दुपट्टा है। सो आप लोग मेरा फुल लुक देख लो, मैं कैसी लग रही हूँ बताओ ज़रूर। मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखो डेनिम की जीन्स है और ऊपर ये वाला कुर्ती है, जो कि इतनी लंबी है। मैंने बाल बांधने हैं, बहुत गर्मी हो रही है। सो चलो अभी नीचे चलते हैं। चल चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 7 बजे, 7:30 बज चुके हैं और मम्मी भी है यहाँ पर। चलो आप चलो, आप चलो, आपको आपका एक्साइटमेंट है। मैंने अभी तक बताया नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वहीं पहुँचने के बाद। बीच में गाय लोग आ चुके थे तो अंकल ने उतर के उन लोग को भगाया और सैफ और डैडी आगे बैठे। सैफ धो रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम लोग इंजॉय करेंगे रास्ते में और आप लोग को अभी मैं आगे दिखाती हूँ। रास्ते में थे तो यहाँ पर एक दरगाह आई है। किसकी दरगाह है? हजरत बालिशा, अबू क्या नाम है, हज़रत बालिशाह पीर की दरगाह है यहाँ पर। अंदर बकरियाँ भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है बकरी लोग अंदर, सबने खाना आना खा चुके हैं, सुबह गुड मॉर्निंग हो चुके हैं ये लोग की भी। सैफ भी आया है, सैफ भी देख रहा है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। मैं एंड में आप लोग को बहुत सारी पिक्चर्स मतलब वो करने वाली हूँ, ये एंड में पिक्चर्स लगाने वाली हूँ, तो आप लोग देखना ज़रूर। ये व्यू भी बहुत मस्त है। सो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बतख लोग भी है बहुत सारे, सैफ की दोस्त लोग। और वो देखो कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। देखो अंदर बैठी आप लोग को दिख रही है, थोड़ा बहुत जूम कर देती हूँ। और गाइस वो काली सी, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी है। सैफ को सब आवाज़ दे रही हैं, सैफ को भी बहुत मज़ा आती है ये सब चीज़ें देखने के लिए। आह आह करेगा तो आ भी जाएंगे ना वो लोग। एक फ़ोन से वीडियो बना रही है, एक फ़ोन हाथ में। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पाली बीच रिजॉर्ट पर। सो आप लोग को पता नहीं था तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग आए हुए हैं पाली रिजॉर्ट। सैफ ये फ़ोन पकड़े, मुझे ब्लॉग बना दे। और हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं अभी, और भी आ रहे हैं कुछ लोग। सो अभी हम लोग उनके साथ भी इन्जॉय करेंगे। और क्या हवा चल रही है, यहाँ का वेदर ही बहुत मस्त है। तो सब लोग उतर चुके हैं देखो, और बहुत मज़ा आई, एडवेंचर भी था थोड़ा, मतलब एडवेंचर कैसा था ना, इसका रोड पूरा आड़ा टेढ़ा
और यहाँ का क्या व्यू है गाइस, क्या व्यू है। मैंने बोली भाई अगर मुझे इधर रहने देंगे तो भाई मैं रह लूँगी, तो भाई बोले यहाँ पे सिर्फ मच्छी खाते हैं, तो मम्मी ने बोले नहीं नहीं ये मुर्गी की भी दुकान है, चिकन की भी दुकान है यहाँ पर। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या है, फिर कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर पानी में जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने अंदर, और पाली बीच, तो आप लोग को भी अगर यहाँ पर आना है तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छा रिजॉर्ट दिख रहा है तुम लोग को। आरा आरा को भी बांधेंगे वो क्या। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, सो इतना ब्यूटीफुल व्यू के साथ, अच्छा अच्छा यहाँ पे नाश्ता भी है, और आरिज भी यहाँ पर खेल रहा है हम लोग के साथ ही। आरिज कुछ टोटल या तो फिर टोटाइज क्या बोलते हैं पता नहीं है, वहाँ पर भी है कुछ। एक दो तीन चार पाँच छः, और वहाँ पे बतख भी है, और आरिज बहुत मजे ले रहा है सारी चीज़ों के। आरिज क्या ले रहा है, जो खाएगा वो ले रहा बेटा, नो वेस्ट। अरे ना आप क्या ले रहे हो यार, मिसल पाओ, मिसल पाओ है वो। बेटा अभी प्लेट खाली है तुम्हारी, भर लो जल्दी, भरो फिर बताते हैं अपन क्या क्या। हम लोग का वो ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो ब्रेकफास्ट में पोहा, भुर्जी पाव, मिसल पाव, मिसल और कांदा लिया है मैंने, और यहाँ पर है टी। तो हम लोग अभी अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे, चलो करते हैं। नींबू नहीं यार, नींबू आंसर हो रहा है। मजा आ रहा ना। आज चूरमान पापा कैसे बोलता है, आज चूरमान पापा कैसे बोलता है, फिर नींद आ गई है ना।
सब नाश्ता चालू है सबका यहाँ। मम्मी तो काला दिख रहा है। नहीं अच्छा दिख रहा बेटा। हम लोग निकल चुके थे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठ के खाए और हम लोग को उबेर आ रही ही नहीं थी तो हम लोग बस में चढ़ गए और अभी हम लोग आए हैं सनाया ढाबा। अलिशबा को पता है अंदर क्या है? पता है अलिशबा अंदर? हाँ हम लोग अभी अंदर जाएंगे, देखते अभी क्या क्या एंजॉयमेंट होता है। आरिस सो रहा था तो आरिस भी उठ चुका है। आरिस मीनी कर रहा था ये। और अभी फटाफट से हम लोग अंदर जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं, सुबह के उठे हुए तो अभी फटाफट करते। देखो गाइस मैं कितनी काली हो चुकी हूँ, अभी आप लोग को 3-4 दिन तो मैं ऐसी काली हो गई। कोई बात नहीं, चलो अभी अंदर चलो। ये हम लोग को मिल गई कुछ फिशेस जो कि न्यू आई हैं अभी, हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तब तो नहीं थी। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हो। ये देखो ये वाली सो रही है, ये भी सो रही है, दोनों सो रही है, बाकी नहीं चुप। चलो पर किसी का तो बोलते हैं तो अभी जाएंगे, चलो देखते हैं किसका बोलते हैं पहले। चलो वाओ गाइस कुछ तो न्यू हुआ है। वाओ कितना प्रिटी है, कितना प्यारा लग रहा है ये कुछ तो न्यू लगा है। चलो अभी अंदर जाके देखते हैं। ये है राइड लेने, बहुत खूबसूरत सी। आरिस आरिस ठोका ठोका, हाँ ठोका। ये पहले तो वो हवा वाली गाड़ी में बैठता था, अभी तो मस्त। चले जा रहे हैं बजर वाला गेम, सो देखते हैं अभी इसमें आइशंटी जीत पाते कि नहीं। और यहाँ पर प्राइजेस भी है। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉश बहुत ट्रिकी गेम है। मेरे ऊपर लो भाई, चलो 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 यस यस। अरे लग गई आंटी, अभी खेलने जा रहे हैं ये प्ले गेम वाला, ये वाला गेम। सो इसमें हम लोग को प्राइज भी मिल सकता है, आयशा आंटी को प्राइज मिल सकता है। ये ले 3, 2, 1 शंटी ने 18 नंबर चूज किए। तो चलो यहाँ पर अलिशबा खेलने जा रही है वाला गेम, सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत सारे पॉइंट्स बन चुके हैं, मिक्सर मिलेगा ये मिल रही है अभी। ओ नो साइकिल कुछ, और यहाँ पर रिंग लाइट है बट हमें को नहीं करना है, मैंने लास्ट टाइम किया था। आ चुके हैं बैठ के खाने के लिए। सो हम लोग ने अभी मंगाए हैं, आता है देखते हैं। ये लोग का आ चुका है पापड़, तो ये लोग अभी खा रहे हैं। हम लोग का प्लेट खाली है और मेरे को मैंने ये जीता है। सो कैसा लग रहा है बताओ ज़रूर। और मम्मा सैफ की पेन पेंसिल दिखाओ, और ये सैफ की पेन पेंसिल जो सैफ जीता है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे सैफ ने एक पेन पेंसिल ही जीता था। सो चलो अभी मैं आप लोग को आगे मिलती हूँ। और अभी चना लहसुन आ चुका है तो अभी हम लोग चना लहसुन इंजॉय करेंगे। सादा पापड़ आ चुका है दो, तो अभी हम लोग पापड़ भी इंजॉय करेंगे। ग्रेवी विथ बटर नान आ चुकी है, इसका नाम क्या है? कुछ बोटी चीज चिल्ली है और बटर नान है। तो चलो हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं।
हम लोग अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। अलीना खा रही है ब्लूबेरी, सेफ भी ब्लूबेरी, मेरी है बबल गम, अलिशबा की है चॉकलेट, न्यूटेला है। ओके, कैसा लगा भाई आज? फिर ये मजा लेना चाहते हो? हाँ हाँ, घर पे करो। हाँ अभी चल के घर पे स्टे ही कर। अरे तुम